हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरु जी। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास ट्वेल्थ के लिए व्यवसाय अध्ययन। इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर चल रहा है, आप जानते ही हैं, चैप्टर नंबर सिक्स चल रहा है हमारा, चैप्टर नंबर सिक्स, जिसका नाम है नियुक्तिकरण। ठीक है, तो नियुक्तिकरण हम कर रहे हैं, और जिसको इंग्लिश में स्टाफिंग बोलते हैं, स्टाफिंग। ओके, इसके अंदर हमने नियुक्तिकरण के बारे में पढ़ा और नियुक्तिकरण की प्रक्रिया हमने करी। आज के लेक्चर के अंदर इसके अंदर एक टॉपिक आता है नियुक्तिकरण के अंदर, जिसका नाम है भर्ती। ठीक है, तो ये भर्ती नाम का जो टॉपिक है, ये हम करने वाले हैं आज के वीडियो के अंदर। इसमें हम भर्ती क्या होती है वो समझेंगे, भर्ती के स्रोत कौन कौन से हैं वो समझेंगे, उसके लाभ क्या हैं, गुण क्या हैं वो भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि जो भर्ती है वो क्या होती है। तो वैसे हमने जब नियुक्तिकरण की प्रक्रिया करी थी, तो उसके अंदर एक भर्ती नाम का पॉइंट आया था। तब मैंने आपको बताया था कि इससे जस्ट एक लेक्चर पहले, कि जो भर्ती होती है उसके अंदर संस्था जो है वो योग्य कर्मचारियों को खोजती है और उन्हें आवेदन करने के लिए आकर्षित करती है। तो योग्य कर्मचारियों को खोजना और उन्हें आवेदन के लिए आकर्षित करना, या उन्हें जो है आवेदन पत्र भरने के लिए जो है उन्हें प्रोत्साहित करना, भर्ती के अंदर आता है। तो भर्ती के लिए योग्य कर्मचारियों को खोजना और उन्हें आवेदन करने के लिए, मतलब जॉब प्राप्त करने के लिए जब वो अप्लाई करते हैं, उसके लिए उनको प्रोत्साहित करना और आकर्षित करने के, और लोगों को खोजने के जिनकी हमको ज़रूरत है, उसके दो स्रोत हैं। एक होते हैं उसके अंदर आंतरिक स्रोत और एक होता है बाह्य स्रोत। तो भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, और रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती के दो स्रोत हैं, एक होता है आंतरिक स्रोत और एक होता है बाह्य स्रोत। तो चलिए बात करते हैं आंतरिक स्रोत की और बाह्य स्रोत की। आंतरिक स्रोत जिसको इंग्लिश में इंटरनल सोर्स बोलते हैं, बाह्य स्रोत जिसको इंग्लिश के अंदर एक्सटर्नल सोर्स बोलते हैं। आंतरिक स्रोत का मतलब होता है, पहले हम आंतरिक स्रोत करेंगे फिर हम बाह्य स्रोत करेंगे। आंतरिक स्रोत का मतलब होता है कि संस्था के अंदर से ही जो आपकी कंपनी है या जो बिजनेस है, जो आपका संगठन है, जो आपका व्यापार है, यानी कि जो आपकी संस्था है, उसके अंदर से ही जो पहले से ही मौजूद कर्मचारी हैं, एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज हैं, जो पहले से ही काम कर रहे हैं, उनमें से ही किसी को चूज कर लेना, चुन लेना। अब आंतरिक स्रोत के अंदर जो है दो तरीके से भर्ती की जा सकती है, मतलब जिस पद के लिए हमको व्यक्ति चाहिए, जो एक पद खाली है, जो एक जॉब खाली है ना, वैकेंट है, जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी को भरने के लिए अगर आंतरिक स्रोत का आप सहारा ले रहे हैं, यानी कि जो आपके मौजूदा कर्मचारी हैं उनमें से ही किसी को उस पद पर आप जो है भेजना चाहते हैं और भेज रहे हैं, तो उसके दो तरीके हैं। पहला होता है स्थानांतरण और दूसरा होता है पदोन्नति। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफ़र, है ना, एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन पर ट्रांसफ़र कर देना, जैसे एक विभाग से दूसरे विभाग में भेज देना। जैसे पहले कोई बंदा है विपणन विभाग के अंदर वो काम कर रहा है, यानी कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में वो काम कर रहा है, आपको जो है अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में किसी की ज़रूरत है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट से किसी योग्य कर्मचारी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर उत्पादन विभाग में भेज देना। तो ये होता है स्थानांतरण। स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र होता है, इसमें जिस व्यक्ति का, कर्मचारी का ट्रांसफ़र किया जाता है, उसका वेतन सेम रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है, उसकी स्थिति भी सेम रहती है, कोई खास बदलाव नहीं होता है, उसके अधिकार और उसके दायित्व भी लगभग पैरेलल सेम होते हैं, यानी कि उसकी पोजीशन में, उसकी सैलरी में किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं होती है, वो सब कुछ उसका सेम ही रहता है। दूसरा आता है इसके अंदर पदोन्नति। पदोन्नति का इंग्लिश में मतलब होता है प्रमोशन। ठीक है, पदोन्नति का इंग्लिश में मतलब क्या होता है, प्रमोशन होता है। ओके, एक सेकेंड, हाँ, पदोन्नति का मतलब मैंने क्या बताया, प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर क्या होता है कि जो कर्मचारी हैं वो होता तो संस्था के अंदर ही है, लेकिन उसको पदोन्नति कर दिया जाता है, उसका प्रमोशन कर दिया जाता है, यानी कि उसको उच्चतम स्तर की ओर ले जाया जाता है।
जैसे अगर कोई एम्प्लॉय था उसको मैनेजर बना दिया, है ना, इस तरीके से। अगर कोई एम्प्लॉय था उसको सुपरवाइजर बना दिया, फिर मध्य स्तरीय प्रबंधक बना दिया, मध्य स्तरीय को उच्च स्तरीय प्रबंधक पद पे आसीन कर दिया, तो उससे उसकी वेतन भी बढ़ता है, उसकी स्थिति भी चेंज होती है, उसकी पोजीशन भी चेंज होती है, उसके पास अधिकार भी उसको अब ज़्यादा मिलते हैं, उसके दायित्व भी दायरा बढ़ जाता है, यानी कि उसकी हर प्रकार से स्थिति जो है पहले से थोड़ी बेहतर हो जाती है, इसको पदोन्नति बोलते हैं। अब आंतरिक स्रोत से भर्ती करने के अपने लाभ हैं कुछ और अपनी कुछ हानियां भी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लाभ के बारे में बात कर रहे हैं कि आंतरिक स्रोतों से अगर भर्ती करते हैं तो उसके क्या क्या लाभ हैं। तो उसके लाभ के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है कार्य निष्पादन में सुधार, है ना, जो परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है, क्योंकि कर्मचारियों को पता है अगर हम अच्छा काम करेंगे, है ना, तो हमारा जो है दूसरे विभाग में ट्रांसफर हो सकता है, हमको हमारे प्रमोशन हो सकता है, पदोन्नति हो सकती है, जिसकी वजह से कार्य में निष्पादन में जो है परफॉर्मेंस में सुधार होता है। भर्ती का विश्वसनीय तरीका है, क्योंकि ये जो लोग भर्ती हो रहे हैं इनको हम पहले से जानते हैं, है ना, सिर्फ या तो ट्रांसफर कर रहे हैं या पदोन्नति कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, हस्तांतरण स्थानांतरण या फिर जो है पदोन्नति की जा रही है, तो जिसकी वजह से ये विश्वसनीय होते हैं, हमारे पुराने कर्मचारी होते हैं, तो ये विश्वास योग्य ज़्यादा होते हैं। भर्ती प्रक्रिया तथा अनुस्थापन सरल, भर्ती प्रक्रिया बहुत सरल हो जाती है, है ना। जैसे मैंने आपको एक प्रक्रिया बताई थी पूरी इससे पहले के लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको उस लेक्चर का लिंक इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें हमने करा था कि नियुक्तिकरण की प्रक्रिया, वो एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आंतरिक रूप से करते हैं तो सरल हो जाता है, बिल्कुल ईजी हो जाता है, और अनुस्थापन भी सरल हो जाता है। मतलब अब वो पुराने कर्मचारी हैं तो उसको कंपनी के बारे में ज़्यादा कुछ बताना नहीं है, परिचय नहीं कराना है, वो पहले से उसका इंट्रोडक्शन, परिचय, अनुस्थापन हो चुका है। प्रशिक्षण पर अधिक खर्चा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो हमारा ही कर्मचारी है तो वो ट्रेनिंग हमसे पहले ले चुका है, ठीक है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे के वो सीख जाता है। मितवई होता है, बिल्कुल बहुत सारे खर्चे बच जाते हैं, रिसर्च का खर्चा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा, फिर भर्ती करने के लिए एक्सपर्ट जो अपॉइंट करने पड़ते हैं, एग्ज़ाम करवाने पड़ते हैं, इंटरव्यू लेने पड़ते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे खर्चा होता है, वो बहुत सारा खर्चा बच जाता है, जिससे मितवई होता है। मितवई का मतलब खर्चीला, कम खर्चीला होता है। श्रेष्ठ चयन हो पाता है, क्योंकि हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग कर्मचारी हैं, यानी कि पहले से मौजूद कर्मचारी हैं, उनमें से हम बेस्ट को चुनते हैं, और इसकी वजह से कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होती है कि हमको ही मौका दिया जा रहा है, कोई नया आदमी बाहर का नहीं आ रहा है। अब आंतरिक भर्ती के कुछ दोष भी हैं। उस दोष में फर्स्ट हैं, नई प्रतिभाओं को कम अवसर प्राप्त होता है, जो नई प्रतिभाएं होती हैं उनको अवसर नहीं मिलता, न्यू टैलेंट आपके पास नहीं आएगा, न्यू स्किल नहीं आएंगी, जो पहले से मौजूद हैं ठीक है आप उनको ट्रेनिंग दे के काम सिखा सकते हैं, लेकिन नई प्रतिभा, नया टैलेंट आपके व्यापार में आना बंद हो जाएगा, ये एक खराब चीज़ है। अकर्मण्यता, मतलब इसमें क्या होता है कि एक टाइम फिक्स हो जाता है कि 5 साल बाद में प्रमोशन होना है, तो अकर्मण्य हो जाते हैं लोग, मेहनत नहीं करते हैं, है ना, उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है ट्रांसफ़र होता रहता है या फिर प्रमोशन फिक्स है हमारा, तो वो चीज़ आ जाती है। नई संस्थाओं के लिए अनुपयुक्त, अब जो नया बिजनेस स्टार्ट किया है उनके पास पहले से मौजूदा कर्मचारी है ही नहीं, तो उनके लिए ये उपयोगी नहीं है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि नहीं, यहाँ पर कमी हो जाती है, प्रतिस्पर्धा में कमी हो जाती है, या एक प्रतिस्पर्धा जो है एक निचले स्तर तक पहुंच जाती है, क्योंकि उसमें सेलेक्टेड आदमियों को ही जो है प्रमोट किया जाता है, तो बाकी सब जो है वो फिर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, और उनको लगता है कि होता होना तो किसी एक का ही है, तो फिर अच्छा नहीं रहता है। तो एक अगर प्रतिस्पर्धा होती भी है तो एक राजनीति, पॉलिटिक्स होने लग जाती है, जो एक बहुत बड़ी कमी है। सब एक दूसरे को जो है ऊपर नीचे करने में लगे रहते हैं। फिर आते हैं अपने बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत के अंदर जो है भर्ती के, बाह्य स्रोत होता क्या है, बाह्य स्रोत मतलब संस्था जो है वो आंतरिक भर्ती नहीं करेगी, वो बाह्य स्रोतों से भर्ती करेगी, यानी कि संस्था के बाहर से व्यक्ति को चुनना, वो पूरी नियुक्तिकरण की जो प्रक्रिया बताई थी उसके अंदर यही होता है। उसमें पहले एडवर्टाइजमेंट वगैरह दिया जाता है। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसमें प्रत्यक्ष भर्ती होती है? प्रत्यक्ष भर्ती जो होती है ये अनस्किल्ड, यानी कि जो वर्कर्स होते हैं, कर्मचारी होते हैं, अनस्किल्ड होते हैं, जिनके पास कोई खास स्किल या कौशल नहीं होता है, उनकी प्रत्यक्ष भर्ती की जाती है।
है ना, इसमें जो है प्रतिस्पर्धी के अंदर जो है एक नोटिस लगा दिया जाता है संस्था के अंदर ही, उसको मौजूदा कर्मचारी देखते हैं और जब वो बाहर जाते हैं तो अपने जितने भी जानने वाले हैं, परिचय हैं, रिश्तेदार, दोस्त वगैरह जो हैं उनको जाके बताते हैं और उससे जो है वो भर्ती हो जाती है। प्रतीक्षा सूची भी होती है, एक वेटिंग लिस्ट भी बनाई जाती है, उसके जरिए भी किया जा सकता है प्रतीक्षा सूची के अंदर। और इसमें एक तरीका ये भी होता है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर से बाहर आप कॉन्टैक्ट कर लो, और ये वैसे वो कर्मचारी होते हैं प्रत्यक्ष भर्ती वाले और प्रतीक्षा सूची वाले जो लंबे टाइम तक हमारे साथ नहीं रहने हैं, अनस्किल्ड लेबर होते हैं, इनके पास कोई खास कौशल नहीं होता है, तो ये दिहाड़ी मजदूर जिनको बोला जाता है उनके लिए तरीका अपनाया जाता है। बस उनसे कुछ दिन काम कराना है फिर उनको उनका पेमेंट कर दिया जाता है। तो कई बार ऐसा जो है कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू भी काम होता है। फिर विज्ञापन, विज्ञापन में जो है थोड़ी अच्छे लेवल की भर्ती आती है। एडवर्टाइजमेंट में आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे या इंटरनेट पे देखते होंगे या टीवी वगैरह में भी आता है, और इंटरनेट पे और न्यूज़पेपर में ज़्यादा देखे होंगे, वहाँ पर बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं, नोटिफिकेशन आते हैं और भर्ती निकाली जाती है। इसमें योग्य कौन सी योग्यता के कर्मचारी चाहिए वो सब कुछ विवरण दिया होता है, उसको पढ़ करके लोग जो है अप्लाई करते हैं। रोजगार कार्यालय एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है जहाँ पर जो भी बेरोजगार लोग हैं उनका डेटा वहाँ मिला होता है, जो भी अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, वे अपना डेटा रोजगार कार्यालय में जमा कराते हैं। अब अपनी संस्था जो भी कंपनी को अगर कर्मचारी चाहिए तो वो रोजगार कार्यालय जाता है, वहाँ से सारा डेटा लेता है, उसमें जो भी योग्य हैं उनको कॉल करके बुला लेते हैं। स्थापन एजेंसी, स्थापन एजेंसी का मतलब बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ भी होती हैं, प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जिनके पास योग्य कर्मचारियों का डेटा होता है, तो आप उनके थ्रू भी जो है भर्ती कर सकते हैं लोगों को। महाविद्यालय से भर्ती यानी कि प्लेसमेंट होता है, आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज़ के अंदर, या प्रैक्टिकली तो अभी आप 12th में हैं तो आपने नहीं देखा होगा, मूवीज़ में देखा होगा आपने या सुना होगा कि कुछ कॉलेजों से जो सीधा प्लेसमेंट हो जाता है, मतलब वहाँ अगर आपने डिग्री ले ली तो कुछ कंपनीज आती हैं आपका इंटरव्यू लेती है कॉलेज के अंदर ही, और अगर आपको इंटरव्यू वगैरह ठीक ठाक लगता है तो वो फिर आपको जॉब दे देती है, तो ये भी एक तरीका है। अब बाह्य स्रोत जो है इससे भर्ती करने के कुछ लाभ भी हैं और इससे जो है कुछ दोष भी हैं, इसके सीमाएँ भी हैं, है ना, दोष ना बोल के आप सीमाएँ बोलेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो सबसे पहले हम लाभ पढ़ लेते हैं। लाभ के अंदर है सबसे पहले योग्य कर्मचारी प्राप्त होता है, योग्य मतलब एकदम जो आपको चाहिए, है ना, एकदम राइट पर्सन, है ना, विशेषज्ञ जो आपको चाहिए, जिस काम का विशेषज्ञ या विशिष्ट व्यक्ति चाहिए वो आपको इसी से प्राप्त होगा, आंतरिक स्रोत से नहीं होगा। विस्तृत विकल्प उपलब्ध होंगे, है ना, बहुत सारे वैकेंसी जब निकाली जाती हैं, रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती जब की जाती है तो बहुत ज़्यादा आवेदन आते हैं, तो आपके सामने ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, नई प्रतिभाएं आपके सामने आती हैं, नए नो लोग, नया टैलेंट, नया स्किल, नया नॉलेज, नई चीज़ें आपके व्यापार के अंदर हो सकती हैं, तो वो आपको मिलती है। प्रतियोगिता की भावना बढ़ जाती है, कंपटीशन बहुत अच्छा होता है जिसमें जो है अच्छे अच्छे लोग जो हैं वो आप चुन सकते हैं। पक्षपात में कमी होती है क्योंकि एक साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीका होता है भर्ती करने का, तो इसमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता है। दोष, वर्तमान कर्मचारियों में असंतोष की भावना रहती है, जो वर्तमान कर्मचारी हैं उनमें असंतोष फैला रहता है, असंतोष की भावना रहती है क्योंकि उनको पता है कि नए लोग तो बाहर से आएंगे, हम में से तो ना तो किसी को ट्रांसफ़र किया जाएगा ना किसी की पदोन्नति यानी कि प्रमोशन किया जाएगा, आंतरिक रूप से भर्ती कर नहीं रहे, तो वर्तमान कर्मचारी में थोड़ा असंतोष रहता है। महंगी प्रक्रिया है ना, एडवर्टाइजिंग में, रिसर्च में, अनुसंधान में, विज्ञापन करने में, और उनकी फिर एग्ज़ाम भी लेना होता है, फिर उनका साक्षात्कार इनकी इंटरव्यू लेना होता है, तो उसमें एक लंबी प्रोसेस है जिसमें समय भी लगता है और पैसा भी खर्च होता है। गलत चयन की संभावना, इतना सब खर्च करने के बाद, इतनी लंबी प्रक्रिया करने के बाद में अगर आपने गलत व्यक्ति को चयन कर लिया, वैसे तो कोशिश तो ये होती है कि नहीं करेंगे, लेकिन अगर चयन हो गया तो इतनी पूरी प्रोसेस, इतना पूरा खर्चा वो वेस्ट चला जाता है। वर्तमान कर्मचारियों में मनोबल में कमी, जो वर्तमान में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका मनोबल में जो है कमी आ जाती है क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे तो हमारा कभी प्रमोशन होगा ही नहीं, हमारा ट्रांसफर तो होगा ही नहीं। श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि हो जाती है, अगर आप नए लोगों को रखेंगे तो पुराने कर्मचारी में असंतोष रहेगा जिसकी वजह से वो हो सकता है आपकी संस्था छोड़कर किसी और संस्था में चले जाए, तो श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि रहती है। तो दो तरीके हैं भर्ती करने के, दोनों मैंने बताए आपको, आंतरिक स्रोत और बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत के दो तरीके हैं और बाह्य स्रोत के जो है 6 तरीके हैं, और इनके खुद के अपने अपने कुछ लाभ हैं, कुछ सीमाएं हैं, कुछ दोष हैं,
कुछ गुण और अवगुण भी बोल सकते हो, लाभ और दोष भी बोल सकते हो, लाभ और सीमाएं भी बोल सकते हो। तो ये हो गया अपना भर्ती। अगले में हम करेंगे चयन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, चैनल सब्सक्राइब करें, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड थैंक यू।